वाली दमोह से, देखो खास खबर। खबर आ रही जवेरा से, जहां पे जवेरा जनपद क्षेत्र में विद्युत मंडल नुहटा क्षेत्र को मामला है, जहां पे ग्राम सिमरी जालम में किसानन के संगे भारी विद्युत कंपनी द्वारा बिल दिए जा रहे। उतने उनको कह बोल तो किसानन को कि हम उनके संगे अन्याय हो रहा, चार माह से पूरे गांव के ट्रांसफार्मर खराब है, लेकिन बिजली कंपनी के अधिकारी सुनबे का तैयार नहीं है। अनाप शनाप बिल दे रहे, गरीबन को कह बो तो 10 से 20 हजार तक के बिल घरेलू दिए जा रहे, और बिल भरबे को दबाव लगातार बनाओ जा रहा, जबकि 20 स्थायी कनेक्शन है इमे ग्राम में, लेकिन 3 से 4 माह से लाइट बंद है, जिसके प्रभाव से किसान अपनी फसल भी नहीं सही से मोटर से सिंचाई कर पा रहे। कई बार किसान बोल चुके जैसे कि धान खरीदी प्रारंभ होते है, पैसा जमा करा दो जात, लेकिन जब किसानन को व्यापारी बिचौलिया का रास्ते दाम में सस्ते दाम में धान बेचने पड़े, तो का अब किसान खेती जुती नहीं है। उनको कहबो हो तो देखो जाए तो बिजली विभाग की कंपनी जो है, बिजली कंपनी, उनको कहबो हो तो कि जे नियम अनुसार घरेलू बिजली के बिल दें, मतलब हर गरीब खां 100 से अधिक को बिल ना दाओ जाए, लेकिन 4 माह से देखो जाए तो बिल अनाप शनाप आ रहा। माह पे 100 यूनिट खपत पे 463 प्रति माह सरकारी देते है, सरकार देते है, अब बाकी 100 प्रति गरीब खां दाओ जाए, लेकिन उनको कहबो हो तो कि 4 वर्ष पहले से पूरे बिल माफ करे गए थे, उसके बाद में 4 वर्ष में मात्र 48 रुपया प्रति लोग के दे जा, तो लेकिन 2 मार्च के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली बिल माफ करे लगभग 2400, लेकिन बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी 10-10-2020 से उनको कहबो हो तो कि लगभग फर्जी बिल बना के तैयार कर देगा, उसके बाद में परेशान करो जा रहा, और स्थायी पंप कनेक्शन केवल 20 से 25 हजार सब्सिडी सरकार दे थे, उतना ही सब्सिडी कंपनी भी ले रही, और ग्राम में लाइट पूर्णता बंद है, लगभग 3-4 माह से परेशान है बिजली कंपनी, हर गरीब के नाम पे 463 रुपये सरकार से सब्सिडी बेधड़ल तरीका से ले रही। और उधर उनको कह बहुत कि सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ तिवारी, सचिन मोदी, निस्वार्थ समाज सेविक सामाजिक संगठन प्रमुख प्रीति कोशम, बसंत राय और अन्य लोगों का बुला के समस्या सुनाई। किसानों को कह बोतो कि कोई से उम्मीद नहीं है, बिना ही उनसे बची की समस्या को निराकरण करो जे। इस विषय में नोएडा कनिष्ठ यंत्री हैं, उनसे बातचीत करी गई, तो नोएडा कनिष्ठ यंत्री को कह बोतो कि ये प्रकार के बिल दे जाए तो अधिक राशि के कहे की पूरे गाँव हीटर जलाऊ थे, और जी के बाद में बिल जमा नहीं करत और लाइट चालू नहीं हो पा रही एक ही कारण। और उतना ही हम आपका बता दें, इन लोगों को कहबो हो तो कि हम और एक कितना भी शिकायत करें, लेकिन आश्वासन के नाम पे जो कह रहे थे कि आश्वासन है सही हो जाए, लाइट ट्रांसफार्मर लग जाए, लेकिन पूरो नोटा की ग्रामवासी परेशान है, वही कड़ी में कल तक लाइट नहीं जुड़ी तो ग्रामवासी नोटा धरना प्रदर्शन करें, अगर कल तक ट्रांसफार्मर सही नहीं कराएगा तो नोटा मुख्यालय पे किसान आंदोलन करे, जी की जवाबदेही शासन प्रशासन की। पूरे गांव के लोग परेशान हैं, उनको क्या वो तो जब अन्नदाता के संगे ऐसे जुल्म हो रहा तो आगे जनता के संगे काका हुई इस सरकार में आप खुद सोच सकत। हम आपको बता दें, इस दौरान हरिश्चंद्र राजपूत, किसान संघ जवेरा, दीवाना रघुराज सिंह, उदित सिंह चरण और देव सिंह हल्के लाल, कोमल रजक, संतोष शाहू, मुन्ना सिंह, पद्म सिंह जग्गी रैकवार और उसके बाद में रज्जू रजक, मुकेश रजक और अन्य किसान इस दौरान उपस्थित थे। हम आपको बता दें, पूरे गांव में 19 कनेक्शन किसानन में, जिनमें से 15 कनेक्शन को बिल पूरो है, लेकिन उसके बाद में भी अनाप शनाप बिल दो जा रहा। का कह रहे किसान सुन लो। आज जबेरा जनपद क्षेत्र के ग्राम सिमरी जालम सिंह जो विद्युत मंडल नोटा में आता है, लगभग 100 एकड़ जमीन डली हुई है, तो किसानों के लिए बिल की समस्या को बताकर ट्रांसफार्मर नहीं रखा जा रहा है। आज सभी जिम्मेदार समाज से भी लोग, किसान भाई एकत्रित हुए और एवं जन चौपाल के माध्यम से सभी ने अपनी बात रखी, बिजली विभाग को अवगत कराया कि 2 दिवस के अगर अंदर ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाता है तो नोहटा विद्युत मंडल का एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन की होगी। मैं ये बोल रहा था सर, सिमरी जालम आया था मैं, देखिए नहीं तो किसान मर जाएगा। केवल एक ही काम हमारे वहाँ ये 150-200
आपकी तरफ से प्रॉपर व्यवस्था है लाइट की वहीं बैठ के, तो वहां आके आप बोल देना। मैं सौरभ तिवारी निवासी जबीरा, मुझे जैसे ही पता चला सिमरी जालम से मुझे फोन आया कल कि भैया हमने सारे जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से बात करके देख ली, हमारे इधर लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, ट्रांसफार्मर नहीं है। तो मैं तुरंत ही मैंने संपर्क किया प्रीति से, बसंत भैया से, सचिन भैया से कि भैया यार अगर किसानी नहीं होगी तो बड़ी समस्या आ जाएगी। तो हम लोगों ने आनन फानन में गांव के लोग एकत्रित हुए, गांव वालों ने हम लोगों को आमंत्रित किया और यहां आके समस्या हम लोगों ने नज़दीक से देखी, तब समझ में आया कि ये विकराल रूप लेने वाली है। तो मैं शासन प्रशासन से और विधायक जी से, जबेरा 56 विधायक जी से और विपक्ष के सारे नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र सिमरी जालम की यह समस्या का समाधान करें, अन्यथा हम लोग जो भी करेंगे आगे किसान तो मरेगा ही, और मरने के बाद अगर हम लोग जो भी करते हैं सड़क पे उतर के उसकी संपूर्ण जवाबदारी आप लोगों की रहेगी। बहुत विकट समस्या लाइट की है, 3-4 ट्रांसफार्मर 3-4 माह से बताया जा रहा है किसानों का कहे नहीं, जिसमें हमने देखे तो किसानों का कहना है 10-10, 20-20 हज़ार घरेलू बिल है और 20 स्थायी कनेक्शन है, जिसमें अगर इनका नियम कहें तो 400 यूनिट की खपत में 500 रुपये प्रति महीना सरकार देती है इनको, तो 4 वर्ष में 2400 रुपये दे सकते हैं गरीबों को, और एक स्थाई कनेक्शन पे 20-25 हज़ार रुपए सब्सिडी ले रहे हैं, ये 500 रुपए महीना गरीब के नाम पे ले रहे हैं। 4-3 माह से लाइट बंद है, नोएडा कनिष्ठयंत्री से जब बात की, यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन डली है, जब बात की तो नोएडा कनिष्ठयंत्री का कहना है कि बिल इसी प्रकार से दिए जाएंगे क्योंकि लोग पूरे हीटर जलाते हैं। अब हम कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, क्या नोएडा कनिष्ठयंत्री भगवान है? दूसरी बात, 2400 से ये 2500 नहीं दे सकते 4 वर्ष का बिल, और इस बारे में यदि हमारा वीडियो जहां तक पहुंचे हम फर्श डालकर उस बिजली विभाग के अधिकारी और यहां के नेताओं के बीच में फर्श डालकर बैठना चाहते हैं कि एक गरीब को 4 वर्ष में मात्र 2400 रुपए बिल दे सकते हैं। ये छोटा सा उदाहरण बताते हैं, 100 यूनिट खपत पर 500 रुपये लगभग सरकार सब्सिडी देती है, एक गरीब को महीना पे 100 रुपये गरीब को आता है, 4 वर्ष में 48 महीना होते हैं, निकम्बे नेताओं से हम बता रहे हैं 4800 रुपये बिल हुआ, 2 वर्ष का मध्य प्रदेश सरकार डोरा पीट रही कि हमने कोरोना का बिल माफ़ किया, तो 2 वर्ष में 2400 ये नकार दो, 2400 मात्र बिल होता है। इस बारे में कनिष्ठ यंत्री का कहना नहीं और हम लोगों को उकसा रहा है, जिसकी कोई अगर किसानों को उग्र हुई है तो पूर्ण जवाबदारी नोएडा कनिष्ठ यंत्री की होगी। हमारे बीच में भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष हरिचंद राजपूत जी, बताइए आज सिमरी जालम सिंह में क्या समस्या है? आज हम यहाँ ग्राम समिति ग्राम के किसानों की बातचीत करने पर, फोन करने पर हम यहाँ आके देखे, यहाँ पर कम से कम 300-400 एकड़ सूखी जमीन डली है। अब किसान खेत में अनाज ही होता है, नोट तो होता नहीं है। अब जब किसान का अनाज सरकार की जो खरीदी केंद्र में बिकेगी, जब पैसा आएगा तभी तो घरेलू बिल भरेंगे, और बिल नहीं भर पाए तो ये बिजली विभाग के लोग ट्रांसफार्मर उठा ले गए और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था किए नहीं, जैसे कारण ट्रांसफार्मर न रखे जाने के कारण यहाँ की ज़मीनें सूखी पड़ी हैं, खेत लेट हो रहे हैं, और खेती लेट होने के कारण गर्मी में इनकी फसल आधी से ज़्यादा नष्ट हो जाना, इनकी लागत को वसूल होना नहीं है। सारे गांव के किसान गुस्साए हुए हालत में हैं, सभी नाराज रोष में हैं, रोष में होने के कारण आज उग्र रूप होने की स्थिति इस गांव में मतलब खड़ी हुई है विभाग के ऊपर, और विभाग ही चोरी करता है किसान के साथ में। अभी 2 माह से जो बिजली नहीं है उसमें जो शासन से सब्सिडी ले रहा है जो विद्युत विभाग, वो चोरी हमारे किसानों के विद्युत विभाग ने किया है। भारत माता की भी जो घरेलू बिलों की भी सब्सिडी वो विद्युत विभाग ले रहा है, वो भी चोरी हमारे घरेलू किसानों की विद्युत विभाग कर रहा है। यदि ये विद्युत कंपनी के कनिष्ठ अभियंत्री ये अगर आज से कल तक यहाँ ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं करते हैं तो गांव के सारे किसान इकट्ठे जाकर के नोहटा पर उनके ही मुख्यालय पर धरना देते हुए और इस जेई के FIR करने के हम लोग व्यवस्था करेंगे, और FIR नहीं होगी हम लोग ना थाना छोड़ेंगे ना उनका बंगला छोड़ेंगे। तो भाई हम ले रहे बेदा ऐसी खबरें हम लेके आ रहे हैं, जय राम जी की। सुनो सुनो, अगर तुम बेरोजगार हो, धंधा पानी कछु नहीं कर रहे, तो खुशखबरी है समृद्धि डिस्पोजल कंपनी लेके आई है ऐसी फ्रेंचाइजी की तुम्हारे गांव शहर कस्बा में तुम्हें खुद की फैक्ट्री लगा के दे, और 5-10 लाख रुपया नहीं 1 लाख खर्च करो
और डिस्पोजल लग बनावे की मशीन लगाओ, गारंटी वारंटी मेंटेनेंस मैकेनिक सब सुविधा 1 साल तक फ्री। और दोना पत्तल कैसे बनाने इकलाए, कच्चो माल कैसे आए और कहाँ बेचने, मार्केटिंग को फंडा भी सका, पूरी फैक्ट्री खड़ी करके देंगे बिजार वाले हनी गुप्ता समृद्धि डिस्पोजल फैक्ट्री। स्वादी संपर्क करो, फ्रेंचाइजी ले और खुद को रोजगार खड़ा करो और खोल लो दोना पत्तल बनाने की ऐसी फैक्ट्री जोन से रोज 1,000, 2,000, 15,000, 20,000 जितना बनाओ उतना कमाओ। सुनो सुनो।